पिछले बहुत सालों से मंत्रालय दिल्ली सरकार के मंत्रालय से जुड़े हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या मेट्रो हो, तो उसमें एनएमटी का क्या रोल है? देखिए, एनएमटी में आपको जो है ना पैदल चलने वालों को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर देखें, आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अलग 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 देखे रखते हैं कि टंगा है, रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी, बस वगैरह वगैरह, उसमें आप कभी नहीं देखेंगे कि पेडेस्ट्रियन को लिस्ट किया गया एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड दैट इज द मोस्ट नेचुरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप आगे एक बार पैसेंजर्स को अगर जो पेडेस्ट्रियन जो है उनको एम्पावर कीजिए, तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होते जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो इंजीनियरिंग डिज़ाइंस जो भी तय करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए आप गाड़ियों के लिए फुटपाथ को ऑफिशियली इंक्रोच करें, मतलब फुटपाथ को काट काट के वो कैरेज वे बढ़ाते जाइए, लेकिन उससे जो है समस्या के हल नहीं होते हैं, समस्या बढ़ी जाती है। तो NMT उसी के साथ आएंगे, जैसे आप रिक्शा फिर बाइसिकल, जैसे मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये डिसीजन लेते हैं कि अगर मेट्रो स्टेशन भी बना रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा साइकिल स्टैंड होना चाहिए, वहाँ पर बस में बैठ के लोग पहुँच पाए सही ढंग से, सेफली वो होना चाहिए। और साइकिल और रिक्शा, ये अगर आप मार्केट मैकेनिज्म में भी विश्वास रखते हैं कि मार्केट ने ये तय कर लिया कि रिक्शाओं की ज़रूरत है, फिर आपके लिए वो साइकिल की भी, साइकिल में बैठ के बहुत लोग जाते हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो बस में एक्चुअली सफ़र नहीं कर सकते, उनके पास पैसा है नहीं बस में सफ़र करने के लिए। और कुछ रोड डिज़ाइन में जैसे आप देखे होंगे दिल्ली के अंदर जो आजकल जो एक वो स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ जो है, प्लास्टिक मटेरियल से बनाते हैं, उसमें अगर आप साइकिल में या रिक्शा में बैठे, खासकर रिक्शा में बैठे हैं, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मतलब आपको चोट भी आ सकती है। तो वो उसकी डिज़ाइन भी बदलना चाहिए, उसको और किसी तरह ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि ट्रैफिक कमिंग भी हो, लेकिन जो रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, छोटे रिक्शा में बैठे हैं या थ्री व्हीलर में बैठे हैं, उनका डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि थ्री व्हीलर में कंफर्ट की ज़रूरत है इसलिए क्योंकि उनके जो ड्राइवर भी है, उनके जो दिन भर 8-10 घंटा जो चलाते हैं, बार बार ऐसे उनके बैक के ऊपर इतने स्ट्रेस और स्ट्रेन आने से लोअर बैक प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकते हैं। मैं पर्सनली फ्रॉम माय कॉलेज डेज आई नो ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनको अनफॉर्चुनेटली प्रीमेच्योरली रिटायर करना पड़ा, उनका मेन प्रॉब्लम था बैक का। तो सर, NMT को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? NMT को प्रमोट करने के लिए मेरे हिसाब से कहीं कहीं कुछ एक्सपर्ट्स को लेके और यूज़र्स को लेके, मैं समझता हूँ कि यूज़र्स सबसे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो यूज़र्स को लेके कोई NMT के लिए कोई सेल बनाया जाए, तो उससे हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारे बड़े छोटे शहरों में, गांवों के अंदर भी ये अवेयरनेस अगर आ जाते हैं, इन लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी। थैंक यू।